तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग है तो बीजेपी ने केसीआर और ओबीसी पर करारा हमला किया। गौश महल सीट से विधायक टी राजा सिंह ने बीआरएस पर वोट के लिए पैसे बांटने का आरोप लगाया तो वहीं ओबीसी पर मुसलमानों को गुमराह करने का भी आरोप लगाते हुए कहा है कि 2014-2018 में ओबीसी ने कांग्रेस और केसीआर के साथ वोट का सौदा किया। टी राजा सिंह ने तेलंगाना में भी डबल इंजन की सरकार बनाने का दावा किया है। 23 का जो चुनाव है, 18 में एक सीट तेलंगाना में जीती थी। 18 में उनका एक पैटर्न चला, हर विधानसभा में जाओ, एक एक वोट को खरीदो, 5,000 में अगर कोई बिकता है, 10,000 में कोई बिकता है तो जो वो चाह उसे दो। तो उस प्रकार से उनकी हवा 2018 में चली और बहुत सारे विधानसभाओं में हमें नुकसान पहुंचा, लेकिन मेरी विधानसभा में तो जनता पता ही है के पैसे उनसे लेकर वोट मुझे डाली। लेकिन 23 का कुछ माहौल चेंज हुआ है। 2023 में जनता ये समझ चुकी है कि ये जो पैसा बांट रहा है ये तो हमें कर्जे में डालकर पैसा बांट रहा है। 2014 में 75,000 करोड़ रुपीस तेलंगाना पे कर्जा था जब डाइवर्ट हुआ, लेकिन आज कर्जा कम होने के बजाय 6,00,000 करोड़ रुपये उसने तेलंगाना पर कर्जा कर दिया। तो जनता देख रही है कि ये व्यक्ति हमें ही कर्ज में डालकर, हमारा ही वोट खरीदकर हमें झूठ बोल रहा है। तो यहाँ की जो तेलंगाना की जो जनता है, डबल इंजन की सरकार चाहती है। देखिए, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की आज गवर्नमेंट है वहाँ पर विकास डबल हो रहा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। तो तेलंगाना की जनता भी ऑब्जर्व कर रही है